डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, ये बताइए स्किन पे कैसे, मतलब अगर बहुत सारे लोग चाहें कि वो आपकी तरह लगे तो कैसे लग सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. ऐसा है कि स्किन को थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा आपको डॉक्टर साहब. आई थिंक मेरे माइक में कोई इशू है? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं. कोई मुझे कह रहा था कि माइक मेरा सही नहीं लगा. बस वो आपको किसी ने कह दिया होगा. ये कोई पिंक का प्रॉब्लम है, लोग हैं वो आते जाते कुछ ना कुछ कह ही देते हैं. स्किन का ख्याल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना आपके खाने पीने से रिलेट करता है ये. और रमज़ान में आपका पता है क्योंकि आप इतने फास्टिंग आवर्स में होते हैं तो उसमें प्रॉपर ख्याल नहीं हो पाता. पर इवेंचुअली बस आपको पानी पीना होता है ज़्यादा, आपको प्रॉपर डाइट लेनी होती है, ज़्यादा ऑयली लेकर. डॉक्टर साहब एक दिन में कितना, 8 से 10 गिलास 12 गिलास पानी आपको पीना ही पीना है? आप पानी पीते हैं उसके साथ फ्लेवर ऐड करके. ओके. पर पानी पीना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस. अच्छा, और हम ये अक्सर देखते हैं कि हमारा वेट जो है वो बढ़ जाता है रमज़ान के दिनों में, बिकॉज हम सारा फ्राइड स्टफ खा रहे होते हैं. सुबह सहरी के अंदर पराठे चल रहे होते हैं, दही चल रही होती है, लस्सी चल रही होती है. और आप लोगों ने हमारी सहरी देखी नहीं है. जिस दिन आप हमारी सहरी देख लें लिटरली सहरी भी इतनी हैवी सर, और उसके बाद अफ्तारी भी बहुत हैवी. अफ्तार भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन आप बताइए सहरी कैसी होती है हमारी? सहरी बहुत लाजवाब होती है, लेकिन ज्यादा ऑयल कम होना चाहिए. नहीं, कोई कम नहीं होना चाहिए भाई. आप नान खाया कीजिए, आपके लिए आपा के लिए रोटियां बना दिया करे भाई, मेरे लिए कोई ऑयल कम नहीं होगा. मैंने तो वही देखिए, पराठा ना हो तो जिंदगी का मजा क्या है. आई मीन सारा दिन तो आपने नहीं खाना ना. अच्छा मैं, अच्छा वैसे अगर पूछा जाए ना, मैं वैसे जिंदगी में आम मामूलात में पराठे वगैरह नहीं खाता हूँ. आम मामूलात में मैं समोसे नहीं खाता, मैं रोज़ नहीं खाता, लेकिन रमज़ान वो चीज़ है, रमज़ान वो दिन होते हैं जब आप उठा के यू नो यू जस्ट ईटिंग. देखा है सर, लोग रमज़ान में खाते हैं. रमज़ान में खाते हैं ना? रमजान भी कितना भी डाइट कॉन्शियस इंसान होगा ना, वो भी पराठे खाता है. हम सब पराठे खाते हैं. तो डॉक्टर साहब कैसे वेट को कम कैसे किया जाए रमजान में? अभी तो रमजान में सिर्फ बढ़ेगा वेट. हम सब देख रहे हैं, लाइक इवन अगर मैं अपनी बात करूँ तो 2 kg बढ़ चुका है मेरा 15-16 दिनों में. तो ये रमजान में सबका वेट बढ़ेगा. ये एक अच्छा मजाक है डॉक्टर साहब, आप सोच के देखिए. मतलब डॉक्टर साहब इसे वेट का बढ़ना नहीं, और आप मतलब जो मेंटेन रखने का शौक रखते हैं उसको तो 2-3 kg भी बहुत ज्यादा लगता है. वो उसका उतरना बड़ा मुश्किल है सर.